तो हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटिंग का फंडा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रीमियर प्रो के अंदर MKB जो फाइल होती है, जो आप डाउनलोड करते हो नेट से, हम उसको कैसे इंपोर्ट करें प्रीमियर प्रो के अंदर। आप बहुत परेशान हो गए होगे, लेकिन होती नहीं है ना। तो मैं इस वीडियो में दो तरीके बताऊंगा जिससे आप MKB फाइल को प्रीमियर प्रो के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, जब तक देखो लव गो। पहली बात तो ये है कि प्रीमियर प्रो के अंदर डायरेक्ट MKV इंपोर्ट करने का कोई अभी तरीका नहीं है। MKV अभी प्रीमियर प्रो के अंदर सपोर्ट ही नहीं करती। तो हमें क्या करना होता है, MKV को MP4 में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर फ्री की बात करें तो VLC मीडिया प्लेयर है ना, उसके थ्रू कर सकते हैं कन्वर्ट, लेकिन अपन को बहुत टाइम लगता है VLC मीडिया के थ्रू कन्वर्ट करने में। फिर आपके पास वंडरशेयर कन्वर्टर जो सॉफ्टवेयर आता है वो है तो बहुत ही बढ़िया, फिर आपको मतलब ही नहीं है, उसके थ्रू डायरेक्टली कर लो है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बाय नहीं कर पाते या फिर उसमें क्रैक ब्रैक नहीं डाल पाते, तो उसके लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताता हूँ जिससे आप MKV को MP4 में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। तो अभी आप गूगल क्रोम पे आ जाओ, यहाँ पर आप लिखो एक्स मीडिया रिकॉर्ड, ठीक है। ये पहली साइट को ओपन कर लो, उसके बाद आपका आर्किटेक्चर देख लो आप MyPC में प्रॉपर्टीज में जाके कि आपका 64-bit है या 32-bit है। मेरे तो 64-bit है, तो यहाँ से क्लिक कर दूंगा एंड डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड ऐसे हो जाएगा फटाफट, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये कर लिया ओपन एंड ये फटाफट से नॉर्मल जैसे इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल कर लो। आप देख लो स्क्रीन पर ऐसे ऐसे करते रहना, ठीक है। डेस्कटॉप शॉर्टकट बना दो एंड इंस्टॉल, फटाफट से हो जाएगा इंस्टॉल। ये देख लो, मैं इसको मैं लॉन्च कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो पहला तरीका बता रहा था, दो तरीके बता रहा था ना, उसमें से पहला एक तो ये है कि आप ये माय कंप्यूटर पर जाओ है ना, जहाँ पर भी आपकी वीडियो पड़ी है, यहाँ पर ऊपर व्यू में जाओ एंड ये फाइल नेम एक्सटेंशन पर क्लिक कर दो। तो इससे क्या होगा, जो उसका एक्सटेंशन है ना आप कोई भी फाइल का, उसके आगे ही लिखा आ जाएगा नेम के पास में, ठीक है। तो आप क्या करो, एक बार F2 से रीनेम करो एंड यहाँ पर MP4 लिखो, ठीक है। ये कहेगा आप यस कर देना, देन क्योंकि आप VLC मीडिया में प्ले करोगे तो प्ले हो जाएगा। और आप प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करके देखना, अगर चल गया तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर चल जाए तो उसमें ऑडियो नहीं आएगी। अगर ऐसे करने से आपने कुछ करा और प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट हो भी गया तो ऑडियो नहीं आएगी, तो यही प्रॉब्लम रहती है। तो हम दूसरे तरीका, जो अभी अपन ने एक्स मीडिया जो एनकोडर जो करा है डाउनलोड, उसके थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि इंपोर्ट होती है नहीं होती। मैं इसको Ctrl+Z से वापस कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, ये इसको लिंक क्या करेंगे, इसको लेंगे, ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर पटक देंगे। तो ये आ चुका है अपना, ऊपर नेम इसका वो आ रहा है। इसको अपन को फॉर्मेट किस में करना है, अपन को करना है MP4 में। नीचे नीचे जाओ, MP4 चूज कर लो, फिर नेम पे क्लिक करो, तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे ये दोनों। इसमें वीडियो एंड ऑडियो रन देना एंड audio/video synchronization जो ऑप्शन है इस पर टिक रन देना। एंड नीचे अपन को कह रहा है कि कहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करूँ, तो अपन चूज कर लेते हैं, ये लाइब्रेरी में जाके मैं पिक्चर्स के अंदर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी आया नहीं ऑप्शन, वापस करता हूँ, ये यहाँ पर लाइब्रेरी में जाके पिक्चर्स में के भी अंदर पिक्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसको अगर अनसेलेक्ट हो गया हो तो इसको सेलेक्ट करो एंड यहाँ पर क्लिक कर दो एनकोड, ठीक है। ये चल रहा है, एनकोडिंग कर रहा है, ये VLC के मुकाबले बहुत तेज एनकोडिंग करता है एंड तो VLC तो बहुत धीरे धीरे चलता है और कई बार आपको पता भी नहीं लगेगा कि हुआ या नहीं हुआ, इसलिए ये फ्री वर्जन है एनकोडिंग करने के लिए, तो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। और आप पे वंडरशेयर फिल्मोरा हो वो उससे भी तेज चलेगा, अगर आपके पास वंडरशेयर कन्वर्टर है तो वो उससे भी तेज चलेगा, क्योंकि वो प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, वो तो चलेगा ही है ना। तो यहाँ पर लिखा गया क्रिएशन ऑफ द मीडिया फाइल वाज सक्सेसफुल, तो अपने सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब एक बार प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करके देख लेते हैं। अब मैं प्रीमियर प्रो में प्रोजेक्ट पैनल में जाता हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ ना। पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो MKB फाइल जो थी ना अपनी, वो थी 3D ऑब्जेक्ट्स में, तो देखो आप यहाँ देख सकते हैं शो ही नहीं हो रही है। तो वो जो अपनी फाइल थी 3D ऑब्जेक्ट्स में थी, आप देख सकते हो यहाँ पर शो ही नहीं हो रही है, ठीक है। जो अपन ने डाउनलोड करी थी वो शो ही नहीं हो रही, क्योंकि MKV सपोर्ट ही नहीं करता प्रीमियर। इसके बाद जो अपन पिक्चर्स में जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जो अपन ने कन्वर्ट करी थी MP4 में वो आ चुकी है एंड यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो गई है, इसको मैं यहाँ पर रखूँगा तो उसके साथ में इसकी ऑडियो भी आ गई है, ठीक है। तो अपने काम हो चुका है।
मैं जो कह रहा था कि वो जो 3D ऑब्जेक्ट्स में अपन इसका रीनेम कर देते हैं लास्ट में MP4 यहाँ पर लिख देता हूँ MP4, देखते हैं वो इसमें चलती है नहीं चलती। ठीक है टेस्ट कर देता हूँ मैं, तो मैंने उसको रीनेम कर दिया है। मैं यहाँ पर जाके इंपोर्ट करके देखता हूँ 3D ऑब्जेक्ट्स में, देखो आ तो रही है, पहले तो आ भी नहीं रही थी ना MKV नाम से, MP4 कर दिया तो आ तो रही है। मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ एरर दे गया, क्योंकि मैंने क्या है 2-3 बार इसको ट्राई करा था, कई बार आ तो जाती है लेकिन उसमें ऑडियो नहीं आती है, तो वो देख लेना, वैसे तो बेकार ही है, सपोर्ट नहीं करता। आप तो वो जो अभी फ्री वाला बताया ना उसके थ्रू कर लेना, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे राइट कलर का बटन दबाना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।